साथियों नमस्कार। बाजरा से जुड़े हुए कई मुद्दों पर और किसान आंदोलन के मुद्दे पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। विकास एमएलए और इलाके में बढ़ती चोरियां और गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल पर आपसे बात कर लू। बाजरा का उप जिला अस्पताल हमने लास्ट बजट 2023-24 में स्वीकृत करवाया, तुरंत प्रभाव से स्वीकृति के बाद इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी। वित्तीय स्वीकृति के बाद इसका टेंडर कॉल करा गया और टेंडर लगा, 29 करोड़ से ऊपर का टेंडर अप्रूवल हो गया। 6 अक्टूबर 2023 को टेंडर अप्रूवल और वर्क ऑर्डर जारी हो गया। यह तय करा गया साथियों की राय से, शहर की परिस्थितियों को देखते हुए और इस हॉस्पिटल की पिछले 3 साल में कामयाबी को देखते हुए, इस शहर कैसे बीच की जगह में जहां 500 से लेकर के 700 लोग, 1000 लोग पैदल आकर के अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाते। आप देखोगे कि जब ज्यादा सर्दी नहीं बचेगी तो यहां कम से कम 1300-1500 लोग डेली आएंगे, ओपीडी होंगे, रजिस्टर्ड ओपीडी 800-900 तो आज के दिन ओपीडी है। उसका सीधा सा फायदा मिलता है जनता को। मुख्यमंत्री, जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, जो भी सरकार होती है, उसकी योजनाओं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गरीब आदमी आता है। गरीब आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। इस स्वास्थ्य परीक्षण में निःशुल्क जांच योजना, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क ओपीडी, ये तीनों फायदा आम आदमी को मिलते हैं। 1300 से लेकर के 1500 लोग यहां करके चेक करवाते हैं। वर्क ऑर्डर जारी हो गया, काम चुनाव की वजह से शुरू नहीं हो पाया क्योंकि जो पुराना भवन है वो तोड़ करके 3 मंजिला भवन बन जाए और 3 मंजिले भवन की बाकायदा टेंडर अप्रूवल हुआ, उसकी तकनीकी स्वीकृति हुई, फिर टेंडर अप्रूवल हुआ। आज मैं जिक्र सुन रहा हूं, मैंने सीएमएचओ से बात करी, ब्लॉक सीएमएचओ से बात करी तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसी चर्चाएं मौका देखने भी गई कि हॉस्पिटल बाहर दे देंगे। जगह कौन सी है, क्या है, वो तो अलग बात है। ये हॉस्पिटल बाहर ले जाने का कंसेप्ट ही गलत है। आप ये कहोगे कि ये जगह थोड़ी है या पार्किंग नहीं होगी, पार्किंग की तो तुम खुद खिलाफ थे, भाजपा के लोग पार्किंग के लिए बाकायदा हमने व्यवस्था करी हुई थी, वहां 2 वर्ष की चोरी हो गई। पार्किंग तो तुमने खुद उठाई है, तुम पार्किंग का क्या रोना रो रहे हो। सवाल ये कि इस हॉस्पिटल में इतनी जगह है, जैसे SMS 11 मंजिल टावर बन सकता है, इस हॉस्पिटल में 3 मंजिला टावर, 3 मंजिला हॉस्पिटल हमने स्वीकृत कराया। आप हिसार के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल देखोगे, एक एक बीघे में ये तो कम से कम 3.5-3.4 बीघा जमीन है, इसमें 3 मंजिला भवन बन सकता है। इसलिए किसी एक्शन ने, किसी SC ने, चीफ ने टेंडर को अप्रूवल कराया और राज्य सरकार के NHM के डायरेक्टर ने वर्क ऑर्डर जारी करे, तो ये गलतफहमी पालने की झूठ ने कि इस हॉस्पिटल को बात ले जाएंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और बतौर पूर्व विधायक मेरा मानना सतर्क है, अगर ये हॉस्पिटल बाहर जाता है, बाहर ले जाने की साजिश करी जाती है तो सीधा का सीधा प्राइवेट हॉस्पिटलों को फायदा देना और भूमाफियों को पालने की धंधा है, न कि जनता के लिए फायदा। जनता को भारी नुकसान होगा और जो जनता को नुकसान करने की कोशिश करेगा, हम बिल्कुल मजबूती के साथ विरोध करेंगे, लड़ेंगे, सड़क पर लड़ेंगे, धरना प्रदर्शन जुलूस जो भी होगा हमसे संघर्ष के जो भी तरीके होंगे संघर्ष करेंगे, यही रखने का काम है। इस मुद्दे पर हमारी राय यह है। उसके बाद शहर में पिछले 2 महीने ये समझ लो आप भयंकर तरीके से चोरी हुई है पूरी कॉन्स्टिट्यूशन, और चोरों का इतना बड़ा दबदबा है, इतना बड़ा बोलबाला है। चोरी सर्दियों में आई बार होती है छोटी मोटी, लेकिन अब की बार जो चुनाव परिणाम के बाद चोरियां बढ़ी हैं, मैं समझता हूं कि पहले क्या होता, चोर आता ताले तोड़ लेता और ताले तोड़ करके चोर चोरी करके भाग जाता। चोरों की इतने हौसले बढ़े हुए, चोर ताला नहीं तोड़ के लेके घेंट फाड़ गए और अभी तक चोरी पकड़ी नहीं गई। मैं समझता हूं जनप्रतिनिधि को नींद कैसे आती, MLA को नींद कैसे आती। हमारे जमाने में चोरी हो जाती, एक बार सीरियल चोरी हुई 2020 में आपके चैनलों के माध्यम से, मैं जयपुर था, मीटिंगें थी कमेटियों की, चैनलों के माध्यम से, आपके आपके इस अखबार के माध्यम से मुझे पता चला। तो ये
इतना बड़ी इतनी बड़ी हमने फोन पर मीटिंग करी, एसपी डिप्टी सब लोगों को, एसएचओ तीनों थानों के सबको लगाया, उस सीरियल चोरी को रोकने का काम करा। उसके बाद कभी भी सीरियल चोरी नहीं हुई। आज इस तरीके से नशेड़ी इस इलाके में चोरी कर रहे हैं और चोरों का अभी बता रहे कल एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मोटरसाइकिल गिरोह पकड़ लिए। मोटरसाइकिल गिरोह यहां से गिरिए नहीं है, बाजरा में, बाजरा में सीधा नकदी सामान उठाने वाले, उठाने वाले सारे के सारे चोर सीखेंगे। इसकी वजह पूरे के पूरे प्रशासन का, पुलिस का ध्यान लगा दिया सारे के साधन पकड़ने में, लकड़ी के साधन पकड़ने में, पूरे के पूरे प्रशासन को डीजल पकड़ने में, बंदी बटोरने में लगा दिया। यही शासन में फर्क होता है। आप क्या काम लेना चाहते हो? प्रशासन को पूरा का पूरा इन तीनों कामों में लगा दिया, जिससे भारी लोगों के चालान कटे, डीजल में कार्रवाई हुई, लकड़ी में कार्रवाई हुई, जो लोग दिन तोड़ते थे। बैरानी क्षेत्र में इतना बुरा हाल है, अगर फसल नहीं है वहां, किसी आदमी के घर में भी जाती जरूरत पड़ जाए, वो आदमी 20,000 रुपए के इकट्ठे करने में उसके पास एक तरीका है कि वो खेत में से लकड़ी है, उस लकड़ी पर इस तरीके से शिकंजा कस रहे, सिर्फ एक लकड़ी बंदी कैसे बन जाए। ये बाजरा की जनता के साथ 2 महीने में बहुत बुरा हुआ है। ये काला सपना था लोगों के लिए, ये काला सपना ऐसा बुरा सपना होगा कि लोगों से पिछले 5 साल में जिस तरीके से चैन की बंसी बजाई लोगों ने, कभी पुलिस सड़क पर नहीं मिली, कभी लकड़ी वालों को डीजल वालों को किसी ने परेशान नहीं करा, मैं समझता हूं अगले 58 महीने लोगों के कैसे कटेंगे, लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। तीसरी बड़ी बात ये कि एमएलए लैंड और दूसरे विकास के काम मेरे पास काजकारों के फोन आते हैं, साहब हमारे खड़े का क्या होगा, हमने 95 करोड़ के वर्क ऑर्डर करवा करके काम कार्य आदेश शुरू कर दिए थे, कार्य आदेश दे दिए थे, ईंटें थी नहीं भट्टों पर चुनाव से पहले, तो काम में ये सोच रहे थे ईंटें बड़ी आ जाए, क्योंकि इतना बड़ी रकम 112 करोड़ रुपए बार बार नहीं मिली, ईंटें बड़ी आ जाए उसके बाद काम करेंगे। लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सरकार भी बदल जाएगी और एमएलए बदल जाएगा, खानों के काम नए वर्क ऑर्डर नहीं हो रहे, जो पहले वर्क ऑर्डर हुए हुए थे वही काम स्टार्ट है, बाकी उसके अलावा सारे खानों के काम पेंडिंग है। किसानों के भी फोन आते हैं, साहब हमारे बजट का क्या रहेगा। मैं समझता हूं नई सरकार की जिम्मेदारी, जो बजट हमने पहले 112 करोड़ रुपए स्वीकृत कराया था, बचे हुए खाड़े बनाए, बचे हुए के टेंडर लगाए, और जिनके वर्क ऑर्डर 95 करोड़ के वर्क ऑर्डर हो चुके थे खाड़ों के, उनके काम स्टार्ट कराए। इसके अलावा जो जो विकास के काम, चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, जो भी काम है उस काम को तीव्र गति से प्रारंभ करने की कोशिश करें। एक जो टेंडर कैंसिल हो गया सेहत की योजना का, 100 करोड़ की योजना कोई जल जीवन मिशन में नहीं हुई योजना, इसलिए राज्य सरकार इतने पैसे दिए थे और राज्य सरकार के स्तर पर ही प्रयास करके शहर को मीठा पानी पिलाने की जो हमारी योजना थी उसको सिरे चढ़ाने का काम करेंगे। पैसा तो हमने स्वीकृत कराया हुआ, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, हालांकि हम ही कह रहे हैं उम्मीद, लोगों ने तो उम्मीद छोड़ दी। लोग तो समझते हैं कि 100 करोड़ रुपए इकट्ठे अब मिलेंगे नहीं, लेकिन वो पैसे स्वीकृत हैं, इसलिए उन पैसों को लैप्स होने देने की बजाय रीटेंडर कॉल करके तुरंत प्रभाव से शहर की स्कीम पर काम करें। हालांकि मैं शहर के लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपके बहुत सारे पानी की खपत को मैंने हल्का कर दिया, जो कि बड़ा आपके यहां से पानी जाता था शहर से, अब आने लग गया सागरा से पानी, पटुआ गांव में सागरा से पानी आने लग गया, आपके डोबीबाज ढोलपाड़िया राजपुरा सब में शहर से पानी जाता था, उसने वहां हमने राजपुरा के वाटर को कामयाब कर दिया, वहां के स्टोरेज में पानी जाने लगा माइनस से, अब शहर पर दबाव कम बचा है। लेकिन फिर भी शहर के लोग जो 15 दिन खराब पानी पीते हैं उसके लिए बड़ी 100 करोड़ की योजना है, इसको सिरे चढ़ाने का काम करें और खड़ा निर्माण तुरंत प्रभाव से शुरू करवाए। जो विकास के काम जहां एमएलए लैंड के काम भी रुके हुए 2023-24 के, वह एमएलए लैंड के काम भी तुरंत प्रभाव से शुरू करवाए। इसके अलावा हमने 16 तारीख को भारत बंद का शुभ किसान मोर्चा का आह्वान है, उसके लिए भी आपसे चर्चा करनी है। भारत बंद में जो किसान खेत गांव में रहता है, वो गांव में अपने सारे काम बंद रखेगा,
एक तरीके से पूरे देश का, विभिन्न ट्रेड यूनियनों का भी है, विभिन्न किसान संगठनों का भी है, विभिन्न मजदूर संगठनों का भी है, सारे के सारे लोगों का भारत बंद में समर्थन रहेगा। और उसमें जितना भी बंद कर पाएंगे लोग, साधन से लेकर के व्यापार से लेकर के हर काम उस भारत बंद में शामिल रहेगा, जिसमें मजबूती के साथ किसान जिस तरीके से ट्रैक्टर ट्राली लेकर के ट्रैक्टर लेकर के आए थे परेड करने के लिए 26 जनवरी को, उसी तरीके से मजबूती से आएंगे। लास्ट बात फसल बीमा के लिए कुछ स्कीमों है, कुछ पॉलिसियां थी जिनके बीमे अटके हुए थे। अक्टूबर से पहले पहले स्टैक की जो बैठक हुई थी सीएम साहब की अध्यक्षता में, जो वार्ता हुई उसके बाद स्टैक की बैठक हुई 27 सितंबर के करीब, उसमें तय हो गया था कि जो जो आक्षेप है जिले से कलेक्टर आक्षेप हटा करके भेजेंगे। अक्टूबर में आक्षेप हटा करके भेज दिए थे और जो जो पॉलिसियां पेंडिंग है तुरंत प्रभाव से फसल, चाहे 20 की कुछ पॉलिसी 20 का बड़ा बीमा लोगों के आ चुका है, 99.99% कुछ पॉलिसियां 3400 विवादित पॉलिसियां थी जहां से विवाद होता था। उसके बाद 2020 की 35 पटवार मंडलों में से 17 पटवार मंडलों के आक्षेप हटा करके भेज दिए थे, जिनके हमने सबूत दिए थे मूंग की फसल के सिर्फ। उसके बाद 22 में कुछ आक्षेप थे और 22 रबी का कुछ बीमा, चने का भी बाकी है, सारे बकाया बीमा क्लेम तुरंत प्रभाव से जारी करें। और अभी ये जो 23-24 रबी का है, इस रबी के बीमे के लिए सरकार गिरदावरी करवाए, लोगों ने चना बोया हुआ था, चना चल गया या बीज मारी होगी उगा और समय आने पर क्रॉप कटिंग करवा करके लोगों को बीमा दें। फसल बीमा पर जो सेटेलाइट का आदेश करा बाद सरकार ने करा, मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में नीति बनाने का काम भारत सरकार करती, स्टेट नीतियां नहीं बनाती। भारत सरकार ने स्टेलाइट से बीमा, जहां क्रॉप कटिंग के इश्यू जा जाए वहां स्टेट की एजेंसियों पर जिम्मेदारी समझने की बजाय भारत सरकार ने कहा था कि फसल बीमा में सेटेलाइट से भी बीमा का निर्धारण होगा। हम उसको वापस करने की मांग विधानसभा में थी, हमने जब एमएलए से उठाई थी और अभी भी उस मांग को दोहरा रहे हैं, तुरंत प्रभाव से सेटेलाइट का बनकर क्रॉप कटिंग से बीमा लाए। इन सब मुद्दों पर आपसे बात करनी थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, उप जिला अस्पताल को लेकर आपने कहा कि हम किसी भी हालत में बाहर नहीं जाने देंगे, कुछ लोगों का तर्क ये भी है बाहर जाने से डेवलपमेंट भी होगा, बाहर भी अगर कोई संस्थान जाता है तो वहां भी कई चीजें तैयार होती है। आपको लगता है क्या जो नॉर्म्स है, आपके विधायक कार्यकाल के दौरान आपने कहा कि कुछ 41 करोड़ में से कितने करोड़, 29 करोड़ के टेंडर लगभग स्वीकृत हुए, तो क्या तब अधिकारी गलत थे या अब गलत है, क्या है इसका? अभी अधिकारी नहीं बाहर जाना चाहिए, ये तो कुछ लोग कह रहे हैं भूमा के टाइप। अच्छा, उनका कोई अपना उनका अधिकारियों का कुछ नहीं, ये तो अधिकारियों का ही चलाए फिर रहे, ये तो वो जगह दिखा देते हैं, वो कोई गौशाला की जगह दिखा रहे हैं, उनके दिमाग में बात नहीं थी गौशाला की जगह, तुम कैसे देखो, वो तो बनाया वो भी गलत बना दिया। उसमें हमने विरोध इसलिए नहीं करा, काम की संस्था है, कल कोई कहे गौशाला को आमदनी हो रही थी, विधायक जी ने मना कर दिया, लेकिन उस समय अगर इनके दिमाग में ये बात थी तो वहां पर पहले उसमें कहते हैं कि हॉस्पिटल यहां बनाओ, और किस चीज का डेवलपमेंट, कॉलेज ले गए ना कल से, कहीं का डेवलपमेंट हुआ, उससे ज्यादा एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा में डेवलपमेंट ज्यादा होगा, आप देखते रहे जब एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा की लोकेशन की जोर की लोकेशन, वहां वो कॉलेज इतने ढीप नहीं ले गए, हमारी मजबूरी होगी पास करे ऑलरेडी वहां बन गए थे, इसलिए वहां भवन बनाना, एक साइड तो वहां नगर पालिका का कूड़ादान बना दिया और एक साइड वहां गवर्नमेंट कॉलेज का भवन स्वीकृत कर दिया, मक्खियां ही मक्खियां हैं, और एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा की लोकेशन प्राइम लोकेशन जाकर के देख लिया, कितनी जोरदार शिक्रोणी की लोकेशन देख लिया, शिक्रोणी जो आईटी कॉलेज पूरा बढ़ जाएगा, भवन बढ़ जाएगा, इस रोड पर देखना आप निकाल, आप उस रोड पर लेके जाना चाहते थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां लेके जाना चाहते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसी जगह है जहां दीन दुखी जाता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल दीन दुखी लोग जाते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल ये उठाना चाहते थे ना हनुमानगढ़ टाउन का, टाउनशिप कहकर कह रहे जब मेडिकल कॉलेज बन रहा है वहां ले जाना चाहते थे, जनता ने भारी विरोध करा, मैं अकेले प्रशासन को ही नहीं कह रहा हूं, जनता को भी कह रहा हूं आपके माध्यम से, जनता को भारी विरोध करना चाहिए, मेरी बात पर यकीन मत करिए, आप जाइए दिन में 4 घंटे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठ के चकचकी लगा के आप देख रहे कितने लोग पैदल आते हो, अरे 1500 पीढ़ी आएगी
1100-1200 लोग पैदल आए क्योंकि छोटी मोटी तकलीफ है, खांसता झांकता है आदमी, वो चेक करवा के चला जाएगा, घर का सामान भी ले जाए, कोई किसी को साथ लेकर गया है। ये इसलिए ये जो जनता को गुमराह करने की बात है, महज महज शहर में विद्वेष फैलाने, भूमाफियों को शह देने और प्राइवेट हॉस्पिटलों की इशारे पर करना। भगवान जी, सरकारी हॉस्पिटल जहां पर होता है वहां से रोड ट्रांसपोर्टेशन की जो कनेक्टिविटी है वो नजदीक होनी चाहिए, जैसे बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, और जो छोटे छोटे हॉल्ट स्टैंड होते हैं जैसे अपने सावा बस स्टैंड है या फिर इधर वाला गांधी का वाला है, ये सभी इसके नजदीक है। लेकिन जहां पे बाहर लेके जाएंगे वहां से तो बहुत दूर हो जाएंगे, तो आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। आपका क्या कहना है? मैं तो यही कह रहा हूँ, पैदल लोग आते हैं, बस स्टैंड नजदीक है तभी लोग पैदल आते हैं, पैदल लोग की ओटी से आते हैं, वहां अगर बाहर हॉस्पिटल लेके वहां पैदल थोड़ी जाएंगे। और मान लो बीमार, कोई ऑफिस टाइम में बीमार होता है आदमी, कोई आदमी 4 बजे बीमार हो गया, 5 बजे बीमार हो गया, निःशुल्क जांच योजना की हॉस्पिटल में बंद हो गई और उसमें बीमार हो गया और उसको एक जांच करा के ला, जांच कराने आएगा, फिर उसके 200 रुपए लग जाएंगे, जांच करवाने भादरा के भीतर आएगा, फिर वो वापिस आएगा। इससे बेहतर वो समझेगा कि तू प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जा। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल को बैनर देने के लिए करें, सरकारी हॉस्पिटल को फैल करने की सबसे बड़ी साजिश है, साजिश का जोरदार विरोध करें। और शहर के लोगों को विरोध करना चाहिए, मेरा ही थोड़ी अकेले, ये मेरी पार्टी का ही थोड़ी है। आप क्या सोचते हो मेरे पास नहीं आई होंगी लोग? सभी को तो हमने कराया था, इस तहसील को चारों तरफ से विकास के कामों के सपने तो हमने दिखाए और सपनों को धरातल पर हमने उतारा। आपको क्या लगता है मेरे पास लोग नहीं आए होंगे? मेरे को भी कहने आए थे लोग, क्यों जमीन में बना लो, उस जमीन में बना लो, हम वहां दे देंगे, वहां दे देंगे, आए थे बेचारे। मैंने उनको समझाया कि ना भाई, ऐसे नहीं हो सकता, जनता को नुकसान हम किसी सूरत में नहीं कर सकते, जनता का नुकसान। उसके बाद आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने एक बाजार है मेडिकलों का, आप उस बाजार को पहले से कर सकते हो, वो लोग शहर के नहीं है। अब आप मेडिकल बाहर चले जाएंगे, क्यों क्यों चले जाएंगे अभी, ये हॉस्पिटल बाहर क्यों चले जाएंगे अभी, ऐसी कौन सी वजह है? शहर के बीचों बीच उपयुक्त ऐसे हॉस्पिटल के लिए तो हमने अंडरब्रिज बनाया, हॉस्पिटल में कनेक्टिविटी आसानी से, अंडरब्रिज इसलिए बनाया सिर्फ जनाजा लाने ले जाने के लिए और हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचने के लिए, बाईपास होकर के हॉस्पिटल आने का कंसेप्ट पहले होता तो हम अंडरब्रिज बनाते। अंडरब्रिज इसलिए बनाया कि फकर के जो गांव में 35-36 गांव में वहां से कोई पेशेंट अचानक आए तो सीधा के सीधा हॉस्पिटल पहुंच गया। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल यही रहना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग इस टाइप की बातें कर रहे हैं वो सिर्फ अपने लालच के लिए या फिर अपनी कुंठा बुझाने के लिए कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि तुम्हारे जमाने में तो तुमसे विकास होगा नहीं। इसलिए जो पूर्व विधायक ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है उस बजट पर थोड़ी राजनीति कर लेते हैं, तो उनको कहना चाहता हूँ ये ऐसी अच्छी राजनीति मत करिए और तहसील के अंदर विकास के जो काम है उनको प्यार प्रेम से जैसे हमने चलाया वैसे चलाइए। इसके अलावा सर, आपने जो दूसरा बड़ा मुद्दा कहा कि एमएलए लैंड के काम रुके हुए हैं और जो घोषणाएं थी अंतिम बजट सत्र में वो काम भी पेंडिंग है, बहुत से जिला परिषद की योजनाएं हैं, गांव के जो विकास कार्य चलने चाहिए थे वो रुके हुए हैं। ये शायद पहली बार होगा शायद इस सरकार ने टेंडर लगे हुए काम को भी रोक दिया और कार्य आदेश जारी हुए काम को भी रोक दिया और जिनका सामान नहीं आया है उन काम को भी रोक दिया, ऐसे में लगभग लगभग काम रुके हुए। मैंने आज एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि एक महीने में सरकार को भयंकर राहत प्राप्त हुआ, उम्मीद करते हैं सरकार को जब राहत प्राप्त हुआ है तो काम जल्दी स्टार्ट करें, लेकिन वह ऐसा पहली बार राज बहुत बार बदले, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, नाम जरूर बदलते देखे, काम रुकते और काम रोकते काम होल्ड करते हमने नहीं देखा। रही बात ये कि वो ये पहले चुनाव में मुद्दा बनाते थे कि दिल्ली सरकार ने कर्ज ज्यादा ले लिया, कर्ज की एक सीमा होती है, कर्ज जब और मिलता नहीं दिखा तो भारत सरकार ने अपना बजट एस्टिमेट छोटा कर दिया। राजस्थान सरकार ने बजट एस्टिमेट बड़ा इसलिए करा था कि कर्ज मिलना आसान था, मिल रहा था, लास्ट में 8,500 करोड़ रुपए जो राजस्थान सरकार ने उधार लिए थे उस उधार से जितने कॉलेज, स्कूल, सड़कें, पुल,
हॉस्पिटल, अंडरब्रिज, जोर ब्रिज जितने हुए, खाड़ा निर्माण, नहरों के निर्माण, एनी के बांध, जितने लास्ट बजट में विकास का काम हुआ है, मैं समझता हूं राजस्थान में ये चिर स्थाई याद रहेगी और ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाएगी। और ऐसा मजबूती के साथ काम धरातल पर उतारने का जो करा था उसको रोकने की जो कोशिश करी गई है भजनलाल सरकार द्वारा, पंची सरकार द्वारा, ये बेहद ही कमजोर कदम है। इसको फौरन सरकार को वापस लेकर के विकास के कामों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए ताकि जनता को फायदा। आपने सर एक और बात चोरी का मुद्दा उठाया, पिछले दो महीने में शायद 20-25 से ज्यादा चोरियां सामने आ चुकी है और चोरियां पहले भी होती थी, क्या उन चोरियों और इन चोरियों में कोई विशेष फर्क, क्या माहौल आपको लगा, क्योंकि आप भी विधायक थे अब आप विपक्ष में हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई चोरी को लेकर के मौजूदा जनप्रतिनिधि चिंतित, चोरी हमारे जमाने में हुई, मैं कह रहा हूँ 2020 में सीरियल चोरी हुई, भट्टू से कुछ चोर गिरवाता था और वो लगातार उसने छानी में, निनाड़ में, बलखेड़ा में, गांधीबड़ी में, सदारगढ़िया में, खछवाड़ा में चोरिया गई, तो ऐसी चोरी वहां हुई 2020 के बाद, इतनी बड़ी चोरी नहीं, वो सीरियल चोरी हुई। हमने विद इन 15 डेज चोर उजागर करे, चोर उजागर करने के बाद उनको पकड़ने की रणनीति थी, वो पकड़ में नहीं आए, लेकिन निनाड़ गांव में चोरी के लिए दोबारा उछले, निनाड़ के लोगों ने उनको ठोका और ठोक करके उनको जेल में फेंका। मुझे तो 2 महीने पहले उसने रिपोर्ट दी थी, वो चोर जेल में ही, उस पर इतने मुकदमे थे, लेकिन मुझे याद है मुझे 15 दिन नींद नहीं आई जब तक वो चोर नहीं पकड़ा गया। लोग कहते थे कि बलवान दुनिया की आंखें सुजी हुई नशा करता है। मैं बाबूजी से कहना चाहता हूं चोरी हो रही है, फौजी की सारी जिंदगी की कमाई लूट ले गए चोर, 4 चोर आए कमलोर और सारी जिंदगी की उसकी बेचारे की कमाई लूट ले गए, आपको नींद कैसे आ रही है? हम पुलिस को आइडिया देते थे, हम पुलिस को बताते थे, हम पुलिस के ताबड़ तोड़ पीछे पड़ते थे, पुलिस यहां तक कह देती थी कि एमएलए साहब आप तो बहुत बहुत परेशान, मेरे भी बार एसपी ने कहती कि चोरी तो नित्य प्रक्रिया है मगर चोर पकड़ना भी तो पुलिस का काम है, आपने कैसे कह दिया? मुझे याद है वो झूठ बात का सॉरी फील करने के लिए एसपी मेरे गांव आई, जिसके घर चोरी उसके घर तक जाके मैंने सीएम को शिकायत की, इस व्यक्ति में कैसे हो सकता है एसपी का कि चोरी तो होती रहती है, चोरी तो कभी की होती है, चोरी होती है पुलिस का क्या काम, पुलिस पकड़े पुलिस को तो बेचारे को काम धंधे लगा दिया, दूसरा वसूली के लगा दी, तो चुनाव में पैसे बांटने जरूरी थे वसूली करानी थी, इसलिए हमारी चिंता है। आने वाले वक्त में लोगों से कहना चाहता हूं भाई फिक्री पैदा शुरू कर लो, टाउन में आप चैन की सांस लेने वाले नहीं हो, मौजूदा जनप्रतिनिधि तो और काम लगे हुए, उनके पूरे के पूरे परिवार की गश्ती दल पूरी रात, और दूसरी बात ये लोगों के साथ जो खिलवाड़ शुरू करी है उसका समाज में दुष्परिणाम आने लग गए, सिर्फ चोरों के हौसले बढ़ी, नशे की आदतें बढ़ी, जिन युवाओं को हमने शिक्षा में ही माहौल बनाया था, कॉलेज खोल के, स्कूल खोल के, स्कूल कर्मरत करके, इंग्लिश मीडियम के स्कूल, हम शिक्षा ही शिक्षा पर भाषण देते थे, अभी सारे दिन वो नौजवान छोरे चोरी चोरी की बात सुनते, चिट्टे की गैंग पकड़ी गई, जनरल गांव का युवा वो मौजूदा एमएलए के गड़बैया डाले बैठा, और जी चंदन की ये बात करते थे चुनाव, वो चंदन वालों पता नहीं चंदन वालों की अब क्या चांदी की होगी क्या, उन्होंने वो चंदन वाले इनके माला डाले बैठे थे, मेरे पास तो चुनाव के बाद से दिन छोटा है, उनको कहो कि मजबूती के साथ बदमाशों पर चोरों पर कार्रवाई करें ताकि लोग शांति से सोए, मुझे तो उन चोरों के लोगों का दर्द नहीं देखा जा रहा, अभी तेरे में नागरा जी का श्रद्धा स्थल था गए उखाड़ के लेके, और अभी तो कुछ कोई मतलब नहीं, तो किस बात की चिंता कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रही। मौजूदा जनप्रतिनिधि का कहता है कि वो भयंकर चिंता करके इलाके की जनता को अमन चैन से सोने के लिए माहौल पैदा करें, धन्यवाद। सर इसके अलावा आप एक बड़ी योजना थी चिरंजीवी योजना।